हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे भाई ऑफ बाउ रूल। ठीक है, ऑफ बाउ रूल है ना, ऑफ बाउ रूल है ना, एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, ऑफ बाउ रूल। ये देखो जो ऑफ बाउ है ना, ये लिखा ना ऑफ बाउ, ये एक जर्मन वर्ड है। क्या? ये जर्मन वर्ड। और ऑफ बाउ का मीनिंग होता है बिल्डअप करना। ऑफ बाउ का मीनिंग क्या होता है भाई? बिल्डअप करना। बिल्डअप का मतलब होता है निम्न लो से लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। अब बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप करना। बिल्डअप का मतलब होता है लोअर टू हायर। ठीक है, एक ना इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल, ठीक ना, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अच्छा एक टर्म इसमें था एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे ये देखो, ये 1s होता है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p 8s। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन फील करोगे वो कैसे भरोगे, 1s फिर 2s फिर ऐसे, समझ रहे हो, ये और ऐसे ही काटते चले जाएंगे। देखो ये, यानी तीर को देखा जाए थोड़े तीर को बड़े ध्यान से देखो तो तीर ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो, ये इस तरह से। यानी अगर इस लिखा है इसको एनर्जी ऑर्डर के टर्म में, एनर्जी ऑर्डर के क्रम में लिखा जाए तो देखो सर सबसे पहले कौन आएगा। देखो अगर बोर्ड पे सबसे पहले कौन आएगा, 1s, रुक जाओ फिर कौन आएगा भाई, 2s, ठीक है, 1s, फिर कौन आएगा, 2s, फिर क्या आपका 2p, फिर आपका आएगा 2p के बाद 3s 3p 4s 3d 4p। देखो एक तरीका होता है, जब सीख जाओगे तो आप भी ऐसे लाइन खींचने लगोगे, 4p के बाद 5s 4d 5p 6s। देखो 6 कहाँ है, ये 6 है, फिर इधर से वापस आओगे तो मिलेगा 4f 4f 5d 6p 6p कहाँ गया, 7s, फिर वापस आ जाओ 5f 6d और 7p है ना, लास्ट में क्या आएगा, 8s। इसको बोलते हैं ऑफ बाउ रूल एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, कोई कह सर ऑफ बाउ रूल क्या बताता है, देख कोई साइंटिस्ट नहीं ना कोई वैज्ञानिक है, एक जर्मन वर्ड है। ये क्या, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप करना। जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डअप करना। बिल्डअप का मतलब होता है जो बिल्डिंग बनती है
वो लोअर टू हायर बनती है, लोअर टू हायर बनती है, यानी लोअर टू हायर बनती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ये ऐसे डायग्राम बनाया जाता है इस तरह से। इसको आप ऐसे लिखते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। थोड़ा नोट करो भाई इसको तो, ठीक है। इसको बोलते थे अफबाऊ रूल। इसे क्या बोलते थे भाई? अफबाऊ रूल, है ना। अब इसी के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे ये लोअर एनर्जी का मतलब समझेंगे, ये बताने के लिए रूल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एन प्लस एल रूल, ठीक है। इसी हेडिंग लिख लेना आप, एन प्लस एल रूल। यही रूल हमें बताएगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये लिखा है हमने लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ये एनर्जी के बारे में कौन बताएगा? एन प्लस एल रूल। कौन बताएगा भाई? एन प्लस एल रूल। अब इसमें देखो रूल नंबर वन क्या होता है, दो रूल होता है। पहले पढ़ेंगे रूल नंबर वन, ठीक है। देखना इसमें मोर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, मोर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, मोर विल बी एनर्जी, मोर विल बी एनर्जी। मोर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, मोर विल बी एनर्जी। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया गया 3s, 3p और 3d, ठीक है। और हमको इसे पता करना एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। देखो लिखेंगे यहाँ पे n प्लस एल का मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, s के लिए l की वैल्यू 0, यहाँ भी n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू 2। ये 3 + 0 कितना होगा? 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। इनके कहने का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में, यानी n प्लस एल की वैल्यू कम किस में है? 3s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 3s में। उसके बाद किस में भरेगा? 3p में। उसके बाद किस में भरेगा? 3d में, ठीक है। किस में भरेगा? 3d में। मान लो दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो ये 4s, ये 3d, इसमें पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेगा, 4s में कि 3d में। ये हो जाएगा 4 + 0, ये हो जाएगा 3 + 2। 4 + 0 कितना होगा? 4, और 3 + 2 कितना हुआ? 5। तो जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी पहले कम होगी, और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर एनर्जी की बात की जाए ज़्यादा किसका हो गया? 3d का। जब इलेक्ट्रॉन भरोगे आप तो 3d से पहले किस में भरोगे? 4s में। 3d से पहले किस में भरोगे? 4s में। बट ज़्यादा एनर्जी किसका है? 3d का। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में। ये इनका n प्लस एल का रूल नंबर वन था। क्या था रूल नंबर वन? अब देखो यही n प्लस एल के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर टू। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर टू, है ना। रूल नंबर टू लिखो, वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम, लिखना द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम, ठीक है। The value of n plus l is same for 2 or more than 2 orbital. Same for 2 or more than 2 orbital. 2 or more than 2 orbital. Then more the value of n, more be energy. Then more the value of more the value of n, more will be energy. थोड़ा इसका मीनिंग समझो आप, ठीक है। मान लो ये 3p
ठीक है, क्या दिया भाई? चलो 3P चाहे 3D कुछ भी लिख लो, 3D, 4P और 5S है ना। इसमें लगा रहे एन प्लस एल वैल्यू। ये देखो ये 3+2 हो जाएगा, ये 4+1 होगा, ये 5+0 होगा। तो 3+2 5 हो जाएगा, यहां लिख ले क्या 4+1 5 हो जाएगा और 5+0 ये भी 5 हो जाएगा। इन तीनों में देखो n की वैल्यू सेम है ना, तो ज्यादा एनर्जी किस में होगा? जिसमें n की वैल्यू बड़ी होगी। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? 3d 4p 5s। इलेक्ट्रॉन पहले किसे भरेगा? 3d में, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। किसे भरेगा? 5s। ठीक है चल, अब देखो अब इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। मान लो n बराबर 3, l बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 0, n बराबर 4, l बराबर 1। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा, या फिर एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो देखो क्या है, जैसे ही बोलेगा एनर्जी का ऑर्डर 3+1 4, 2+0 2 और 4+1 5, यानी किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? ये 5 ज्यादा है ना, तो ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? ये 4p होगा। अगर मान लो ये 4, ये मिला के बोलते क्या हो जाएगा? 4p। इसको मिला के बोलते क्या हो जाएगा? 2s। इसको मिला के बोलते क्या हो जाएगा? 3p। तो n प्लस l की वैल्यू ज्यादा किस में आ रही है? इसमें आ रही है ना, तो ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? 4p का। उससे कम किसकी होगी? 3p का। उससे एनर्जी कम किसकी होगी? 2s का। ये हो जाएगा एनर्जी का ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर होगा? एनर्जी का ऑर्डर। तो जब भी क्वेश्चन एनर्जी की बात करेगा वहां लगाएंगे n प्लस l रूल। नोट करो भाई,